नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट एनकरेज का काम करता है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी HSSC की तरफ से, कितने घंटे में रिजल्ट तैयार हो जाएगा, कागज़ क्या क्या तैयार करने, पूरी की पूरी डिटेल्स बताएंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं फर्स्ट नोटिस पर। यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। कई कैंडिडेट कहते हैं वैसे फेक न्यूज होती है, तो आपको कल भी मैंने बताया था भी कर्मचारी चयन आयोग ने पत्र लिख दिया जी चुनाव आयोग को, काम होते होएगा, एकदम कुछ भी नहीं होता। 24,000 पदों की भर्ती पूरी है, प्रक्रिया पूरी होती चुकी है, नतीजे तैयार करने में लगेंगे 4 दिन, सिर्फ 4 दिन में नतीजे तैयार हो जाएंगे। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने HSSC ने चुनाव आयोग में दस्तक दी है। चुनाव आयोग द्वारा नौकरियों के नतीजों को घोषित करने पर लगाई गई रोक के खिलाफ चयन आयोग ने पत्र लिखा है। नौकरियों के नतीजे जारी करने पर लगी रोक हटाने में जुटा है HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने हरियाणा लोकसभा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुरू की गई भर्तियों के नतीजे को घोषित करने पर रोक लगा दी है थी, ठीक है जी, लगा दी थी। और चयन आयोग ने 24,000 के लगभग पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। अगर आयोग को नतीजे घोषित करने की परमिशन मिलती है तो 4 से 5 दिन में सभी के नतीजे तैयार करके घोषित कर दिए जाएंगे। और आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखने जाने की पुष्टि की है। क्यों, हालांकि चुनाव आयोग ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की शिकायत पर स्पष्ट कहा है कि चुनाव एजेंसियां भर्ती जारी रख सकती हैं, लेकिन परिणाम विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी होंगे। ग्रुप सी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, वो तो आपको सभी को पता है। तृतीय श्रेणी के पदों का आयोग ने अलग ग्रुप्स में बांटा हुआ है। इसके तहत ग्रुप एक और दो के साथ साथ 56-57 और ग्रुप नंबर 57 की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है भर्ती की। इसी तरह हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पुरुष और महिला में भी भर्ती प्रक्रिया आयोग के अंतिम रूप दे चुकी है। और PMT सहित सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद इनके एग्जाम भी हो चुके हैं, पुलिस के एग्जाम भी हो चुके हैं। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि अगर चुनाव आयोग परमिशन देगा तो आयोग को रिजल्ट करने में 4 से 5 दिन का समय लगेगा। यहाँ बता दें कि जनवरी 2019 में जींद विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान भी कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी के 15,000 के करीब पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के नतीजे घोषित किए थे। उस समय भी मामला आयोग में गया था, लेकिन आयोग ने इसको हरी झंडी दी थी। यहाँ बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लोकसभा के नतीजों के बाद 90 दिनों के भीतर 50,000 पदों को भरने का ऐलान किया था। नतीजों के बाद से विधानसभा चुनावों की घोषणा होने तक आयोग द्वारा 12,000 विभिन्न पदों के नतीजे भी घोषित किए गए हैं। अब 24,000 पदों के नतीजे घोषित करने को आयोग इंतजार कर रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से अगर पाबंदी नहीं लगती तो आयोग की ओर से इनमें से अधिकांश पदों का जल्द जारी किया जा सकता है, जल्द से जल्द। बस अब चुनाव आयोग से परमिशन मिलनी बाकी है। चुनाव आयोग से उम्मीद पूरी है क्योंकि पिछली बार 2019 में भी यही चांस थे, विधानसभा में जींद में जो वोटिंग हुई थी उपचुनाव के, तो उस दौरान भी इन्होंने 15,000 पदों का रिजल्ट जारी किया था चुनाव में, क्योंकि उसमें बच्चों का तो कोई दोष नहीं है। चुनाव हो रहा है, ठीक है, इलेक्शन है, अलग मैटर है, बट इसमें बच्चों का क्या दोष है, बच्चों के रिजल्ट लेट करने का क्या मतलब है, जो एग्ज़ाम हो ही चुके हैं। उम्मीद है भी अब चुनाव आयोग हरी झंडी देगा, जो आप डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर रखिएगा क्योंकि 24,000 पदों की भर्ती का छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। सभी के सभी अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, कभी भी आ सकती है। यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा सरकार ने 24,000 पदों के नतीजे घोषित करने की चुनाव आयोग से मांगी अनुमति।
ठीक है, प्रथम और द्वितीय श्रेणी करीब 1500 भर्तियों का रिजल्ट तैयार है, तृतीय श्रेणी के ग्रुप 56-57 के 16,500 पदों का चयन तैयार है, तय किया हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद घोषित किया जा चुका 12,000 पदों का रिजल्ट, ठीक है। अभी भी इस पर चल रही है जी डिस्कशन, भी अनुमति मांगी है चुनाव आयोग से, अगर चुनाव आयोग अनुमति दे देता है तो इस पर आपका रिजल्ट 4-5 दिन में रिलीज कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल 42,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। कर्मचारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने चुनाव आचार संहिता की वजह से भर्तियों पर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार किया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि जितने पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है इनमें से भी इनमें इसमें भी 5 से 7 हज़ार पदों के रिजल्ट चुनाव की तारीख तक तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें एक और बता दें, 2001 गर्भवती महिलाओं ने दी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के तहत रविवार को नई कई जिलों में लिखित परीक्षा आयोजन किया गया, जिनमें से 99.12% अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों में पहुंचे, जिनमें से 201 गर्भवती महिलाओं ने भी एग्जाम दिया है। इनमें से कुछ ऐसी थी जिनकी डिलीवरी डेट भी नज़दीक थी। परीक्षा केंद्र पर एम्बुलेंस और डॉक्टरों सहित सभी प्रबंध थे, किए हुए थे, ठीक है जी। तो इस तरह 201 गर्भवती महिलाएं भी आई जिन्होंने एग्जाम दिया है पुलिस कांस्टेबल का। तो इसमें अब यही है उम्मीद भी जो चुनाव आयोग है जल्द से जल्द हरी झंडी दे देगा, क्योंकि ऐसा कोई मैटर नहीं है, कोई इसमें ये थोड़ी ना इलीगल काम थोड़ी ना है, लीगली काम है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चांसेस पूरे 90% चांसेस है भी इनमें आपको हरी झंडी मिल जाएगी, रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की अनुमति मिल जाएगी। अगर अनुमति मिल जाती है तो उस केस में 4-5 दिन लगेंगे, आपका रिजल्ट 4-5 तारीख तक सितंबर तक आ जाएगा, अदरवाइज फिर आपको 4 अक्टूबर तक रुकना पड़ेगा। वैसे चांसेस ज़्यादा हैं भी आपको मंजूरी मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये अपडेट्स आपके लिए बहुत बड़ी रही है। इसी तरह की अगर और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।